तो दोस्तों, अपने जो पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने की जो लास्ट डेट है बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अपने आधार कार्ड से लिंक करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 मार्च, जो कि बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। अब लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा हड़कम मच चुकी है अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाने की। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर अपना पैन कार्ड लिंक है आधार कार्ड से, और बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं है, और आधा से ज्यादा लोगों को तो ये चीज पता ही नहीं कि अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक है भी या नहीं है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि अपने भारत सरकार ने साफ कर दिया कि अपना पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करता हो तो आपको आगे चल के इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। और ये क्यों जरूरी है, भारत सरकार ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया है, ये चलिए हम गूगल करके देखते हैं इस चीज को। तो देखिए दोस्तों, हम जैसे ही यहाँ पर गूगल करते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना क्यों जरूरी, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर गूगल पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, पैन आधार को जोड़ने से डुप्लीकेट पैन को समाप्त करने और कर चोरी में रोकने में मदद मिलेगी। आईटी विभाग ने ये भी कहा है कि आयकर अधिनियम के 1961 के अनुसार जो पैन कार्ड होल्डर से छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं उनके लिए 31 मार्च 2023 की लास्ट डेट रखी गई है अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने की, और अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो भाई लोगों, अगर आपको भी ये चीज नहीं पता है कि आपका जो पैन कार्ड है वो अपने आधार से लिंक है या नहीं है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, वही चीज आज की हमारी वीडियो होने वाली है। और अगर आपका आधार कार्ड से आपको लिंक नहीं है और उसका आपको आधार कार्ड अपने लिंक करवाना चाहते हो तो उसके लिए 1000 रुपये की फीस देनी पड़ेगी, जो कि ऑनलाइन हो जाता है सारा कुछ काम अपने मोबाइल से, तो कैसे करते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में हम देखेंगे अपना जो पैन कार्ड अपना आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वो चेक करना जरूरी है। अगर अपना पैन कार्ड से अपना आधार कार्ड लिंक है तो कोई झमेला करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले वो चीज चेक कर लेते हैं। चलिए सीधे चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने हाथ में लेना है और सीधे आप आ जाना अपने गूगल सर्च में। तो आप गूगल सर्च में आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है आपको इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लिखने के बाद आपको यहाँ पर सीधे से सर्च कर देना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर जो नीचे वाली वेबसाइट है सेकंड नंबर पर, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। फर्स्ट वाली को ओपन नहीं करना है, सीधे सेकंड वाली पर ओपन करना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से थोड़ा ऊपर से स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करते हैं आप, तो यहाँ पर आप लिखा हुआ है क्विक लिंक, तो आप सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है लिंक आधार स्टेटस, तो सिंपल से इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंटर, यहाँ पर पेन नंबर लिखने का ऑप्शन है सबसे ऊपर वाली लाइन में, और नीचे आधार नंबर लिखने का ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पर पेन नंबर और आधार नंबर दोनों यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर पेन नंबर और आधार नंबर दोनों लिखने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है व्यू लिंक आधार स्टेटस, तो सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करें यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर यूअर पिन डाल गया, जो पेन नंबर है वो वाला इसकी लास्ट डिजिट बता देगा, इज ऑलरेडी लिंक टू गिव आधार नंबर, मतलब आधार नंबर के लास्ट शुरू के अंक और लास्ट के अंक बता देगा। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर अपना आधार कार्ड से लिंक है, और अगर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो कुछ इस प्रकार से पॉपअप आ गया, चूंकि मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रखा है। तो कुछ इस तरीके से अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि अपना पैन नंबर आधार कार्ड नंबर से लिंक है या नहीं है। तो ये तो हो गए अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने के। और अगर आप अपने लाडली बहन योजना के तो अपने ई केवाईसी करना चाहते हो तो कैसे करते हैं अपने मोबाइल से, वो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया जो कि एडीएसके में लगा दी, तो वहां से याद से वो वीडियो देख लेना। चलिए मिलते रहे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।